तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में गणेश जी की कलर करने वाला हूँ और इसको कलर करने के लिए मैं अपना डॉम्स की ऑयल पेस्टल यूज करने वाला हूँ और इस ऑयल पेस्टल को मैं कैनवास बोर्ड के ऊपर यूज करने वाला हूँ। और एक्चुअली मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कैनवास बोर्ड के ऊपर ऑयल पेस्टल अच्छे से वर्क करते कि नहीं, सो लेट्स ट्राई इट। और इस ड्रॉइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जो भी अभी तक नहीं देखा है जरूर से देख लेना, वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलो अभी कलरिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को कलर करने वाला हूँ और जिस तरीके से मैं ऑयल पेस्टल को ड्राइंग पेपर के ऊपर अप्लाई करता हूँ, सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करने वाला हूँ। सो डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर मुझे जैसे कलर दिख रहे हैं सेम वैसा ही यहाँ पर भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। और एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं कैनवास बोर्ड के ऊपर ज्यादा पेसर अप्लाई करके करना पड़ रहा है और एज कम्पेयर टू पेपर कैनवास बोर्ड के ऊपर ऑयल पेस्टल ज्यादा भी लग रहा है। सो अगर आप लोग भी कैनवास बोर्ड के ऊपर ऑयल पेस्टल को यूज करना चाहते हो तो ऑयल पेस्टल जल्दी से खत्म भी होने वाला है। सो अभी मैं कलर्स को बैकग्राउंड में भर दूंगा, तब तक आप लोग देखो मैं किस तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ। ओके, बैकग्राउंड में कलरिंग हो चुकी है और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर हमेशा की तरह कॉटन बट का यूज कर रहा हूँ। और शेडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्लेंड करना है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके घिस के ब्लेंड कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और जहाँ पर स्मोकी इफेक्ट चाहिए वहाँ पर आप लोग राउंड राउंड करके इस तरीके से आप लोग ब्लेंड कर सकते हो। ओके, बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुके है और अभी जहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत डार्क एरियाज चाहिए वहाँ पर मैं सिंपली ब्लैक से शेडिंग करूंगा और जहाँ पर लाइट एरियाज चाहिए वहाँ पर व्हाइट से शेडिंग करना है। और इसको ब्लेंड करने के लिए कॉटन बट की कोई जरूरत नहीं, सिंपली फिंगर से आप लोग ब्लेंड कर सकते हो। ओके, बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुकी है और अभी मेन सब्जेक्ट के ऊपर यानी गणेश जी के ऊपर कलर करना है। और यहाँ पर मेन जो कलर है वो सैप ग्रीन है, सैप ग्रीन से ही बेसिकली फुल गणेश जी को कलर करना है। सो डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जो भी मुझे डार्क एरियाज दिख रहे हैं उसके ऊपर शेडिंग करने के लिए मैं सैप ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूँ। और जो भी हाईलाइटेड पार्ट से यानी जो भी लाइट एरियाज है उसमें सैप ग्रीन कलर को एकदम हल्के हाथ से यूज करना है। जैसे कि आप लोग ड्राइंग में देख सकते हो मैं हाईलाइटेड पार्ट्स में एकदम हल्के हाथ से किया हूँ और उसके ऊपर लाइट ग्रीन देन येलो देन व्हाइट से शेडिंग करना है। याद रखना ये हाईलाइटेड पार्ट्स में यूज करना है। जो भी डार्क एरियाज है उसमें सैप ग्रीन देन उसके ऊपर लाइट ग्रीन देन उसके ऊपर येलो देन ब्लू और ब्राउन का भी यूज करना है। आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पर जो भी मैं प्रोसेस अप्लाई किया हो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से कलर से भर देने के बाद इसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए मैं कॉटन बट का ही यूज कर रहा हूँ। और ब्लेंड करने के बाद इसके ऊपर डार्क वैल्यू को और डिटेलिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ जो कैमल की आता है वो। और हाईलाइट करने के लिए व्हाइट और छोटे छोटे एरियाज में हाईलाइट करने के लिए कैची का यूज कर रहा हूँ। सो अभी सेम यही प्रोसेस फुल फेस के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ, बट एक आर्ट वीडियो के लिए क्या चाहिए, नेक्स्ट लेवल की ड्रॉइंग और वीडियो एडिटिंग स्किल जो आप स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कर सकते हो आज के स्पॉन्सर स्किल शेयर के थ्रू, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पर आप लोगों को हजारों क्लासेस मिल जाएगी लाइक ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग, डीआईवाई और भी बहुत कुछ, जो कि अपने अपने फील्ड्स की लीडर्स और एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है। आई पर्सनली लव टू यूजिंग स्किल शेयर बिकॉज इसने मेरा ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, इवन कम्युनिकेशन का भी स्किल इंप्रूव किया है। मैंने आर्टिस्ट अंकित जसमतिया सर का ड्राइंग क्लासेस लिया है जिसमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग करना है, किस तरीके से पेंसिल स्केच करना है, किस तरीके से चारकोल यूज करना है, वो सब कुछ उनकी वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएगी। लर्न अबाउट द टेक्निक्स ऑफ क्रॉस हैचिंग एंड हाउ टू बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द क्रॉस हैचिंग और कैरेक्टर डिजाइन, इलुस्ट्रेशन, कॉमिक, किस तरीके से स्टैंड आउट होना है यूट्यूब पर, वो सब कुछ मैं जो साइजेस आपको पता होगा उनके वीडियो से मैं सीख रहा हूँ। और सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर किसी भी तरह की एड्स नहीं है ताकि आप लोग सीखते टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग अनलिमिटेड क्लासेस ले सकते हो टू देयर एंट्रेंस लाइब्रेरीज ऑफ क्लासेस, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। स्किल्स शेयर दे रहे फ्लैट 30% डिस्काउंट उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। अभी आप एंजॉय कर सकते हो अनलिमिटेड क्लासेस वो भी 1900 रुपीज पर ईयर की कॉस्ट में। और ये सिर्फ फर्स्ट 1000 व्यूअर्स के लिए जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करेंगे। और ये डिस्काउंट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, सो जाओ और एक्सप्लोर करो आप लोगों की क्रिएटिव जर्नी को। ओके, बैक टू द ड्राइंग। अभी गणेश जी की बाकी जो भी पार्ट्स है उसमें भी सेम वही टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। और एक चीज पहले मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि मैं सैप ग्रीन कलर को जहाँ पर मुझे एकदम से डार्क एरियाज चाहिए वहां पर मैं ज्यादा पेसर अप्लाई करके कर रहा हूँ।
और मीडियम से डार्क एरियाज में मीडियम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और हाईलाइटेड पार्ट्स में एकदम हल्के हाथ से कर रहा हूँ। और उसके बाद लाइट ग्रीन से हाईलाइटेड पार्ट्स को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट्स है उसमें मीडियम प्रेशर अप्लाई करना है, बाकी जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स है उसमें एकदम हल्के हाथ से करना है। एंड देन हाईलाइटेड पार्ट्स में लाइट येलो और व्हाइट से शेडिंग करना है, और लास्ट में फिर से एक बार डार्क येलो को देने के लिए सैप ग्रीन और ब्राउन से शेडिंग करना है। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज एकदम से क्लियर हो चुकी है, और अभी इसके ऊपर कॉटन बर्ड से ब्लेंड करना है। तो ऐसा ही मैं फुल गणेश जी के ऊपर शेडिंग और ब्लेंडिंग करते जाऊंगा, और लास्ट में डार्क वैल्यू को देने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज करूंगा। तो बाकी अभी वीडियो में देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। सो नाउ एंजॉय द वीडियो विद म्यूजिक। तरीके से सेटिंग कर लूंगा एंड देन डिफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग ब्राउन और व्हाइट कलर से सेटिंग कर लूंगा एंड देन उसको भी कॉटन बर्ड से ब्लेंड कर लेना है, और ऐसे ही बाकी की दोनों हाथ के ऊपर भी सेटिंग और ब्लेंडिंग कर लेना है। वीडियो पसंद आई है, और आप लोग देख सकते हो ये कुछ साइन सा कर रहा है क्योंकि मैं इसके ऊपर एक वार्निश की कोट अप्लाई किया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये ड्राइंग बाद में खराब हो जाए। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में स्किल शेयर की लिंक है, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। चलो बाय।